तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार केसरी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है इंडिया टेक इन हिंदी। तो आज मैं आप लोगों के लिए गेम लाया हूँ जिसका नाम है द डार्क नाइट राइजेस, जो कि 350 MB की दो फाइल्स में है। तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि ये कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले इसका गेम प्ले थोड़ा देखते हैं। तो आप लोग इसका गेम प्ले देख सकते हैं कि कितना अच्छा है और ये कितना अच्छा है। इसका ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है। आप ये गेम को देख सकते हैं। आप लोग को इसे डाउनलोड करने के लिए मैं एक लिंक दूंगा और इससे बताऊंगा कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक मैं कुछ दिन बाद दूंगा। आप लोग इसे देख सकते हैं, थोड़ा गेम प्ले दिखा देता हूँ। ये कितना अच्छा गेम है, आप लोग देख सकते हैं। इसके ग्राफिक्स भी कितने अच्छे हैं। ये ज़्यादा MB का गेम भी नहीं है, हाँ, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके मोबाइल में थोड़ा बहुत जगह होना चाहिए। आप लोग इसे देख सकते हैं कि हम लोग जहाँ चाहें वहाँ इसको कर सकते हैं, जैसे मन इसको वैसे खेल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा गेम है। आप लोग को ये गेम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दें कि हाँ आई वांट दिस गेम जल्दी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी जल्दी बना दूँ इस पर वीडियो। तो अभी तो मैं गेम प्ले दिखा देता हूँ और ये बिल्कुल लैग भी तक नहीं हो रहा है। आप लोग गेम में देख सकते हैं कि इसका लेवल अभी 1 है। तो लेवल 1 तो आप लोग जानते ही हैं कि लेवल 1 उतना हार्ड नहीं होता है। और देख सकते हैं ये उड़ भी सकता है, ऐसे नहीं, और ये रोप को छोड़ के भी उड़ सकता है। ये बहुत ही अच्छा गेम है। इसको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि कैसे उड़ता है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अगर ये गेम का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लोग देख सकते हैं कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और गेम चाहिए तो उसे तो बता दें कि हाँ आई वांट दिस गेम, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग को नहीं भी चाहिए तो कोई बात नहीं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें और मैं 1 से 2 दिन में इस पे वीडियो बना दूंगा कि किसी भी मोबाइल में चल सके। मेरा सैमसंग J2 है, इसमें भी नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तो कर, और आप लोग के मोबाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो धन्यवाद।